स्विमिंग जो एक्सरसाइज है इसका जो है फोर्थ जो है बटरफ्लाई, हाँ तो क्या इसका बेसिक क्या है, और दूसरी चीज ये है क्या ये वेट लॉस करने में काफी हेल्प है करता है? हाँ तो देखो वेट लॉस करने में तो स्विमिंग की कोई भी एक्सरसाइज वो हेल्प करती है, लेकिन जैसे बटरफ्लाई जो स्ट्रोक होता है उसमें जो भी कोई भी बटरफ्लाई इसको परफॉर्म करेगा उसकी सबसे ज़्यादा कैलोरी बटरफ्लाई में ही बर्न होती है, तो ये डेफिनेटली वेट लॉस में या फैट लॉस में तो वो हेल्प करेगा ही। और ऐसा भी है कि मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या बटरफ्लाई मेरी एज इतनी है, मैं 40 प्लस हूँ या मेरा वेट इतना है, क्या मैं सीख सकता हूँ कि नहीं? तो स्विमिंग का कोई भी स्ट्रोक होगा तो वो कोई भी एज या वेट या किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो कोई भी सीख सकता है उसको। तो बटरफ्लाई सीखने का तो सबसे बेसिक है कि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्विमिंग सीखने के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो बटरफ्लाई है इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है, वो भी आपके कमर से। और इसके पुल की कुछ टेक्निक होती है और किक की कुछ टेक्निक होती है, वो अभी मैं पहले बाहर आपको बताऊंगा, फिर इसको मैं पानी में भी परफॉर्म करूंगा, तो आप देखेंगे कि कैसे बटरफ्लाई इजीली की जा सकती है। तो ये बटरफ्लाई का पहला तो एक नॉर्मली आप ओवरव्यू ले लीजिए कि ये किस तरह परफॉर्म होती है। तो जैसे कि हमारा दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रहता है तो पुल यहाँ होगा, उसके बाद चेस्ट आगे आने के बाद जब चेस्ट हल्का सा नीचे जाएगा तब ये हैंड यहाँ पे एंट्री होगी इसकी वाटर में, यहाँ पे वाटर आप करेंगे तो इसका पूरा मूवमेंट इस तरह होता है। और आपकी बॉडी यहाँ से लचीली होनी चाहिए, और अगर सिर्फ हैंड मूवमेंट की बात करें तो उसका हैंड मूवमेंट ये है, ये होता है, यहाँ तक आता है, यहाँ से आपको एग्जिट करना है, और जब एग्जिट करेंगे तो आपका जो चेस्ट है, चेस्ट से ऊपर नेक यहाँ पे आपका वाटर होना चाहिए, वाटर सरफेस। तो यहाँ ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ लेने के बाद आप हैंड मूवमेंट और ये मेरा जो नेक है इसका मूवमेंट देखिए, ये मैंने ब्रीथ लिया, जब मेरा हाथ दूर यहाँ पड़ जाएगा उसके बाद मुझे हेड नहीं डाउन करना है, बल्कि जब हैंड मेरा यहाँ एग्जिट कर जाएगा तो जब मैं इसको एंट्री करने के लिए आगे लाऊंगा तब तक मेरा हेड नीचे हो जाना चाहिए, तो इसका मूवमेंट ये होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये अब इसको आप यहाँ तो ऐसे इजीली नहीं समझ सकते, लेकिन अभी इसको मैं पानी में करूँगा तो आपको तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है कमर से, जो बहुत लोग पूछते हैं सर किक नहीं चल रही, डॉल्फिन किक नहीं चल रही, तो वो आपकी कमर से ही चलती है, तो इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको आप किस तरह करेंगे, और फिर ये देखिए मेरे एडी मतलब मैंने अपने लेग उठा और फिर उसके बाद ये परफॉर्मेंस रहती है, इस तरह आपको इसको परफॉर्म करना है। अब इसी चीज़ को मैं पानी में भी करके दिखाऊंगा, पानी में करने जा रहा हूँ, अभी देखिएगा कि ये ऊपर जितना अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन पानी में थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। लेग मूवमेंट कैसे होता है, तो लेग मूवमेंट देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया तो ये चीज़ रहता है लेग मूवमेंट, तो अभी इसी चीज़ को मैं ये सीढ़ी पकड़ के करूँगा तो आप देखिएगा। तो ये भी बटरफ्लाई किक आपने ऊपर से देखी, अभी इसी चीज़ को आप पानी के नीचे से देखिएगा और देखिएगा कि मेरा कमर कहाँ से मुड़ रही है, चेस्ट कहाँ से मुड़ रहा है, पूरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आता, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलग मूवमेंट, अब हैंड मूवमेंट में क्या होता है, हैंड मूवमेंट में ये होता है कि आपको यहाँ तक लाना है ऐसे पुल, फिर यहाँ से एग्जिट करना है काफ़ी प्रेशर के साथ। तो अगर मैं इसको चले ट्राई करता हूँ कि सीढ़ी पकड़ के, अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरा इसको 25 मिनट करूँगा। अब हैंड मूवमेंट अभी आपने पानी के ऊपर देखा था, पानी के नीचे देखिए हैंड मूवमेंट किस तरह होता है, ये देखिए ये रहता है चेस्ट आउट हुआ, वाटर सरफेस यहाँ मेरे नेक पे है,
और जब मेरा हेड जाएगा डाउन उसके बाद ये दोनों हाथ आगे आएंगे इस तरह का। इस चीज़ को आपको करना है, इसी तरह करना है, किनारे कुछ स्विमिंग नहीं करनी बल्कि किनारे रख के जिस तरह मैंने अभी परफॉर्म किया इसको, जिस तरह मैंने अभी स्विमिंग मतलब मूवमेंट किया उसी तरह आपको करते रहना। तो जब आप धीरे धीरे करेंगे ना तो आपको थोड़ा आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे इसको करने में, और फिर इसको धीरे धीरे आपको स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना। ये नहीं कि अभी मैंने आपको बताया है मूवमेंट बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको दोनों बता दिया तो आप दोनों सीधे करने लग गए, ऐसे होगी नहीं आपसे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अगर देखें कॉम्प्लेक्सिटी देखें अगर तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसी स्ट्रोक में होती है, इसमें होती है और ब्रेस्ट में भी होती है, लेकिन ब्रेस्ट में उतनी ज़्यादा नहीं होती जिसमें जितनी इसमें होती है। क्योंकि इसमें आपको करेक्ट टाइमिंग पता होना चाहिए, ब्रीथ की करेक्ट टाइमिंग पता होनी चाहिए आपको, दोनों किक की जो डॉल्फिन किक चलती है और करेक्ट टाइम पता होनी चाहिए आपको, हैंड एंट्री की हैंड मूवमेंट जो आपकी हैंड एंट्री होती है वो। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी, अभी आप इसको फॉलो करिए पहले इसको, मतलब धीरे धीरे अपने स्विमिंग पूल में जाके आप करेंगे फिर जब आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे इस स्ट्रोक के तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का स्टेप बताऊंगा किस तरह इसको करना है। आप देखिए मेरा हैंड मूवमेंट, हैंड एंट्री, लेग मूवमेंट, लेग एंट्री, ब्रीथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सब कुछ क्लियरली आप देख लीजिए। मैं पूरा अपने स्ट्रोक में चलूँगा 25 मीटर। आज के वीडियो में जितने भी आपको टिप्स बताए गए हैं, जितने भी टेक्निक्स बताई गई हैं, इसको आप रेगुलरली फॉलो करिए एंड जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ या आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है,
एंड उसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक या स्पेसिफिक स्विमिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानना होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का पूरी कोशिश करूँगा। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड आपको बताइए कि मेरी वीडियो कैसे आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग स्विमिंग।